So children, in this section you will see first the different strands of non-cooperation movement, जिसमें कि हमने towns में पढ़ा कि towns में non-cooperation movement का क्या effect था. Now we are studying the rebellion in the countryside. So countryside में हम दो parts में divide कर लेते हैं. First है peasants, peasants in countryside and tribals. ठीक है, tribals. Okay. From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew into its fold the struggles of peasants and tribals. ठीक है, दो लोगों का struggle यहाँ पे हम calculate कर रहे हैं, countryside में peasants का और tribals का, which were developing in different parts of India in the years after the war. So we have seen in this, just I have shown you this video, that peasants were suffering in the countryside. They were paying taxes, by import tax देने पड़ रहे थे अलग अलग type के. के टैक्स के साथ वो लोग बेगारी सिस्टम एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट की सेवा, जिसमें कि जो भी पेशेंट है, जो भी फार्मर है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो जमींदार या टैनिंग होते थे भी, उनके लैंडलॉर्ड होते थे, सॉरी, उनके पास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देनी पड़ती. ठीक है, तो ये लेबर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, राइट. सिमिलरली दे वर ऑल्सो फेसिंग सम प्रॉब्लम, जैसे कि चिल्ड्रेन पहले क्या होता था, मुगल या शेरशाह या हमने उस टाइम में पढ़ा उसके बाद के भी जो इनिशियल पीरियड था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, सो दे वर सम यू नो सिस्टम ऑफ रेवेन्यू परमानेंट सेटलमेंट. ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त का जो सिस्टम था, 10 साल 20 साल के लिए जो है वो जमीन दे दी जाती थी. ठीक है, लेकिन अब क्या सिनेरियो था यहाँ पे कि जो पेजेंट्स थे उनका टेन्योर फिक्स नहीं था, टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं होने की वजह से कभी भी जो है उनकी लैंड उनसे वापस छीन ली जा सकती है. सो यस, व्हाट हैपेंड, कैन यू हियर मैम, योर वॉइस इज नॉट सो ओके. यस मैम, वी कैन हियर यू बट इट्स नॉट दैट मच क्लियर. ओके, I am repeating again, children's rebellion in the countryside can be divided into two parts. Means it was spread in two parts. ठीक है, जो लोगों का struggle था वो दो part में divide करके हम study कर सकते हैं. पहला है peasant और दूसरा है tribal. Peasants were facing problems. They were paying taxes to the government. They were giving their begar. ठीक है, बेगारी एक system था. Labor free of cost that villagers had to give to the लैंडलॉर्ड. ठीक है, जो लैंडलॉर्ड होते थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा देनी ही पड़ती थी, विदाउट एनी उसके बदले में उनको कोई पेमेंट्स नहीं दिया जाता था. ठीक है, तो ये बेगारी सिस्टम जो था वो विलेजर्स को देना होता था, फार्मर्स को. नाउ टेन्योर सिस्टम, जो फार्मर्स थे उनका टेन्योर फिक्स नहीं था. इससे पहले जो भी एग्रीकल्चर सिस्टम थे स्टूडेंट्स, उसमें क्या था, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट है. ठीक है, और ड्यूअल सिस्टम है जिसमें कि 10 साल के लिए जमीन दे दी जाती थी. आपने पढ़ा होगा रयोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, है ना, इन क्लास है. तो यहाँ पे कोई टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं था कि आप इतने टाइम तक रखो, लेकिन यहाँ पे कभी भी आपके जो है वो गवर्नमेंट कह सकती थी कि अब आपका टाइम खत्म हो गया है, अब आप ये लैंड हमें दे दीजिए. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी पेजेंट्स की. इसी तरीके से ट्राइबल्स की भी प्रॉब्लम थी. हम इस टॉपिक पे पहले आते हैं. इन अवध ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेजेंट्स इन अवध. ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय पेजेंट्स इन अवध. ठीक है, यहाँ पे साथ साथ में नोट्स लिखते जाओगे. ठीक है, इन अवध पेजेंट्स वर लेड बाय द बाबा रामचंद्र. बाबा रामचंद्र जो है वो एक फिजी आइलैंड था. ठीक है, फिजी एक आइलैंड पता है ना, कैरेबियन आइलैंड है. ठीक है, फिजी आइलैंड कैरेबियन आइलैंड है, जहाँ पे कि जो इंडियन कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, दे यूज टू टेक द बॉन्डेड लेबर कौन होते थे, बंधुआ मजदूर, जिनको कि कॉन्ट्रैक्ट्स पे लेके जाया जाता था प्लांटेशन वर्क के लिए, एग्रीकल्चर वर्क के लिए. ठीक है, फिर वो 4-5 साल के लिए, 10 साल के लिए वापस नहीं आते थे. इसी तरीके से बाबा रामचंद्र जो है वो एक बॉन्डेड लेबर थे इन फिजी आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड में. ठीक है, एंड ही वॉज अ सन्यासी ऑल्सो. ठीक है, who had earlier been in Fiji as an indentured labor. Indentured labor means bonded labor. ठीक है, यहाँ पे indentured का मतलब होगा bonded labor, contractual. ठीक है, the movement here was against तालुकदार्स and landlords. तो सेम यही चीज़ें तालुकदारी सिस्टम थी. भाई सबसे ज़्यादा जो enjoy हम कह सकते हैं उस टाइम पे कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे, वो जमींदार्स थे,
श्रमिक आर्ट्स को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता था, ठीक है। इन बिटवीन कुछ पर्सन को ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, बाकी पर्सन जो है वो अपने पास रखते थे रेवेन्यू का। सो दे विल एंजॉय हु डिमांडेड फ्रॉम द पेजेंट्स एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सेस, अलग अलग टाइप के सेस मींस टैक्सेस दे वर टेकिंग फ्रॉम पेजेंट्स। पेजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। एज वेल एज दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो टेनेंट थे जो कि हम उसको आपने सुना होगा, ठीक है, हम अपने जो लैंड है जो जमींदार होते थे अपनी लैंड कुछ टाइम के लिए रेंट पे दे दिया और फार्मर्स उस पर ग्रो कर रहे, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है वो फिक्स होता था पहले, लेकिन अब ये जैसे 2 साल के लिए दे दिया, 5 साल के लिए दे दिया, लेकिन वो टेन्योर फिक्स देगा। अभी मैंने बताया था बीइंग रेगुलरली इरेक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर दीज लैंड। The peasants movement demanded reduction of revenues, abolition of beggar and social boycott of oppressive landlords. So, यहाँ पे जो peasants of Awadh थे, they demanded, उनकी तीन demand थी, ठीक है, उनकी तीन demand थी, उनकी demand ये थी कि reduction of revenue, पहले सबसे पहले tax को कम कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा taxes हैं, बहुत अलग अलग type के taxes हैं। दूसरी demand थी abolition कर दिया जाए, बेगारी system खत्म की जाए, free of customs क्यों काम करे, ठीक है, एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, ऐसे जमींदारों का बायकॉट किया जाए जो कि ऑप्रेसिव है, ठीक है। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज, तो नाई धोबी तो हिंदी का वर्ड है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई, जो बार्बर्स हैं और वॉशिंग, ठीक है, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे वो टोटली स्टॉप कर दी जाए, ठीक है। Were organized by the panchayat to deprive landlords of the services of what happened? Yes. Abolition of begar, begari system. अभी बताया था begari system क्या है? It is services provided by the farmers, by the villagers, free of cost, बिना किसी payment के services provide करना, ठीक है, इसको हम बेगारी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसकी डिमांड की विलेजर्स ने, फार्मर्स ने, कि ये सिस्टम जो है वो अब खत्म होना चाहिए, बेगारी सिस्टम क्यों करें हम। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एवरीवन, आई एम अनेबल टू सी, एवरीवन हैज स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑन एवरीवन। अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, आफ्टर 5 मिनट्स ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। अभी जितने लोग यहाँ पे छुप गए थे कैमरा ऑफ करके, अभी मैं पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये सारी सेवाएं जो है वो बंद कर दी जाएंगी, ऐसे पंचायत, ऐसे लैंडलॉर्ड्स के लिए जो कि पहले वो आराम से दे रहे थे, ठीक है। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध, टॉकिंग टू द विलेजेस एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवियंसेस। तो अवध किसान सभा, एक अवध किसान सभा फॉर्म की गई, ऐसे लोगों का को हम कह सकते हैं कंबाइन करके उनकी प्रॉब्लम्स को सुना गया, उनके ग्रीवियंसेस को। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वाज सेट अप एंड हेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड रामचंद्र, ये अंडरलाइन कर लो, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्म किया गया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के हेड थे विद बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। विद इन अ मंथ 300 branches had been set up in the villages around the region. So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. ठीक है, so जब non-cooperation movement start हुआ तो यहाँ पे Congress ने इसको integrate कर लिया, Awadh peasant movement को अपने साथ उनके struggle को include कर लिया, ठीक है। The peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted, and grains hoard were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of the Mahatma Gandhi was being invoked to sanction all action and aspiration. So, ये effect हुआ यहाँ पे जो अवध किसान सभा की, यानी जो peasants थे, उन्होंने इसको कैसे दिया, इस non-cooperation movement को, जब ये movement integrate हो गया non-cooperation, तो यहाँ पे लोगों ने ये कहा कि गांधी जी के according जो grains हैं, जो hold की गई हैं,
हैं या तालुकदार हैं, उन मर्चेंट्स हैं, उन पे अटैक करके उसको ले लिया गया, ठीक है। और ये कहा गया कि गांधी जी के अकॉर्डिंग टैक्सेस अब नहीं पे करने हैं, जिनकी जो लैंड थी वो वापस दे दी जाएगी, ठीक है। और किसी भी टाइप का कोई अब बेगाली या हम कह सकते हैं कि टैक्सेस अब नहीं लिए जाए, ठीक है। तो ये उनके लिए, उनके अकॉर्डिंग उनकी जो नीड्स थी उसी को ही उन्होंने नॉन कॉपरेशन समझा, ओके। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, ठीक है। नाउ ट्राइबल्स, ट्राइबल पेशेंट्स इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी, इंटरप्रेटेड सॉरी द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे इन द गुडन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। फॉर इंस्टेंस अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, ओके। सो पहला तो हमने पेशेंट्स का पढ़ा, अवध किसान सभा जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जुड़ गई, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। दूसरा है ट्राइबल्स का, ट्राइबल्स का जो ये पार्ट है ये आंध्र प्रदेश के गुडन हिल्स, ठीक है, याद रखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन मार्क्स क्वेश्चन है, कहाँ पे है गुडन हिल्स, फिर ढूंढते रहोगे, एनसीईआरटी के डिफिकल्ट लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। अभी सिर्फ स्टोरी सुन रहे हो, आंध्र प्रदेश में है गुडन हिल्स, यहाँ पे ट्राइबल्स एक ट्राइबल जनजाति है, ठीक है, यहाँ पे उनके जो लीडर थे अल्लूरी सीताराम दास, ठीक है। आगे पढ़ोगे और शायद पहले भी पढ़ा हुआ है अल्लूरी सीताराम, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू पोस्ट दी, यस, ठीक है, यू विल अंडरलाइन हियर, ओके। अल्लूरी सीताराम राजू मोसी ट्राइबल लीडर, वो ट्राइबल लीडर थे यहाँ के गुडन हिल्स में, यहाँ पे प्लांटेशन वर्क करवाया जाता था, ठीक है। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव हियर एज एन अदर फॉरेस्ट रीजन, द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरियाज प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, ओके। सो वी नो दैट कि जो ट्राइबल्स थे उनके लिए फॉरेस्ट एक्ट पास किया गया था सो दैट दे कुड नॉट एंटर इन द फॉरेस्ट रीजन एंड मेनी अदर एक्ट्स वर पास बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ओके, टू प्रॉफिट हियर ट्राइबल पीपल, ओके। सो दीज ट्राइबल्स स्टार्टेड मूवमेंट एंड दे स्टार्ट रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके। बट हियर जो अल्लूरी सीताराम राजू थे वो उनके लीडर थे ट्राइबल मूवमेंट के, यानी ट्राइबल जो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ ट्राइबल्स के बीच में, इसके हेड जो है वो ये थे, इन्होंने एक अपने आप को एक सुपर ऑफिशियल हम कह सकते हैं कि उन्होंने इनकार्नेशन माना अपने आप को कि वो कई सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा कहा कि वो कई सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, वो इनकार्नेशन है एक तरीके से, ओके ओके। नाउ लुक एट योर, सो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट पीपल, यू हैव लर्न द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, ये कुछ प्रॉब्लम थी उनको, उनको प्रोहिबिट किया गया। नॉट ओनली वर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट आइदर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड, तो ट्राइबल्स आदिवासी है भाई, ये ट्रेडिशनल लोग उसी समय से रह रहे हैं, ट्राइबेटिव लोग हैं, तो उनको वहाँ से भगा दिया गया, ये एक उनके लिए प्रॉब्लम थी उनकी अर्निंग, उनकी स्टार्विंग के लिए। व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार द रोड बिल्डिंग द हिल पीपल रिवोल्टेड एंड द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज इंटरेस्टिंग फिगर, ही वाज अल्लूरी सीताराम राजू, ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स, ठीक है, स्पेशल पावर्स थी उनके पास, ही कुड मेक यू नो प्रिडिक्ट कर सकते थे कि क्या होने वाला है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते थे एंड हील पीपल, लोगों की डिजीज ठीक कर सकते थे, प्रेडिक्शंस कर सकते थे पहले से, कुछ स्पेसिफिक पावर्स थे उनके पास, सुपर पावर्स, ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, ठीक है, अगर उनको गोलियां भी लग जाएंगी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की, तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगे, लोगों की बुलेट्स भी वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी सर्जरी के निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये चीज ऐसे याद रखना, कैप्टिवेटेड बाय राजू द रिबेल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज इनकार्नेशन ऑफ गॉड, ये मैंने बताया था, उन्होंने अपने आप को इनकार्नेशन ऑफ गॉड बताया कि वो एक सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। राजू टॉक ऑफ हिज ग्रेटनेस, ठीक है, महात्मा गांधी
Gandhi said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and gave up drinking and other problems. But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. We know that यहाँ पे उन्होंने मिलिट्री सॉरी मिलिटेंट गोरिल्ला वॉर, ठीक है, ट्राइबल्स में ये पहले से ही बहुत ही फेमस है मिलिट्री गोरिल्ला वॉरफेयर. तो ये उनका एक लड़ने का तरीका होता था, स्ट्रैटेजी, ठीक है. ट्रेडिशनल तरीके से जो रेजिस्ट करते थे उसको मिलिटेंट गोरिल्ला वॉरफेयर, भाई मिट्टी के बड़े ही शार्प उनके पास स्टोन्स के टूल्स होते थे और बोज एंड एरोज होते थे. तो इस तरीके से उनका जो एक सिस्टम था गोरिल्ला वॉरफेयर करने का अगेंस्ट द सिस्टम, वो उन्होंने क्लियरली अपना रखा और उसी के फेवर में थे. इसीलिए उन्होंने कहा है कि दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है. द गुडेन रिबेल्स अटैक द पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरी ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, ठीक है. उनके लिए स्वराज यही था, अपने राइट्स के लिए लड़ना. राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकेम अ फोक हीरो, ठीक है. तो यू हैव टू रिमेम्बर स्टोरी वाइज इसको समझेंगे कि ट्राइबल्स में किस तरीके से जो है वो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है सभी को यहाँ तक? अभी मैं पूछूंगी इधर और जो लोग छुप रहे हैं, अभी एक बहुत टाइम है, मैं ये पूछती हूँ आपसे स्पेसिफिक, जो लोग छुपे हुए हैं, जो लोग स्क्रीन पे दिखते हैं उनसे नहीं, मैं छुप लो, ठीक है. नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, स्वराज इन प्लांटेशंस, ठीक है. सो दोज हु आर वर्किंग इन प्लांटेशंस इन असम और हम कह सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ पे प्लांटेशंस हो रहा था, टी प्लांटेशंस वेयर द वर्कर्स यू नो वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लोग काम कर रहे थे बंधुआ मजदूर की तरह, ठीक है. नाउ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज वॉज फॉर दीज वर्कर्स फ्रॉम इन असम freed in means the right to move freely and in out of the confined space in which they were enclosed and it mean retaining a link with the village from which they had come. तो उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि वो फ्री होके प्लांटेशन में कहीं भी आ जा सकते हैं, बिना परमिशन की घूम सकते हैं, ठीक है. और इस तरीके से वही उनके लिए फ्रीडम है, ये उनके लिए स्वराज का मतलब था, ठीक है. तो स्वराज का मतलब उन्होंने ये कहा कि गांधी जी के अकॉर्डिंग फ्रीडम है अब उन्हें, दे कैन मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस, क्योंकि बिना परमिशन के वो जा नहीं सकते, वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर लेबर है विच दे वर एनक्लोज एंड इट मीन रिटेनिंग अ लिंक विद विलेज फ्रॉम विच दे हैड टू दे हैड कम. उन्होंने ये मान लिया कि आप वो बाहर जा सकते हैं और परमिशन की जरूरत नहीं है, अपने गांव जहां से आए हैं वहां भी जा सकते हैं. तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि लोग इतने इनोसेंट हैं, अभी उनको नॉन कॉपरेशन का मतलब अभी पूरी तरीके से नहीं मालूम था, बट दे वर पार्टिसिपेटिंग एंड समहाउ दे केम टू नो दैट महात्मा गांधी हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ नोशन ऑफ स्वराज एंड द स्वराज मीन्स फ्रीडम, ठीक है. एंड दे कैन मूव फ्रीली एनी वेयर, और जिस गांव से आए हैं उस गांव में वो जा सकते हैं अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859. तो ये तो 1920 के बाद की बात कर रहे हैं हम, 1859 कहाँ से आ गया, अंडरलाइन कर लेंगे इसको. इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट पास हुआ था जिसके अकॉर्डिंग यहाँ के जो वर्कर्स हैं प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है, वो लोग बिना परमिशन के मूव नहीं कर सकते, ठीक है, वो लोग बिना परमिशन के मूव नहीं कर सकते, ठीक है. Not permitted to leave the tea gardens without permission. And in fact, they were rarely given such permission. When they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities and left the plantations and headed towards their home. They believed that Gandhiji was coming, Gandhi Raj will come, and everyone would be given land in their own village. Okay? They, however, never reached in their homes. Stranded on the way by railways and steamers, strikes, ठीक है. यहाँ पे याद रखना कि वो लोग अपने घर पे नहीं पहुँच पाए क्योंकि उस समय पे रेलवेज और स्टीमर्स भाई वो स्ट्राइक चल रही थी, दोनों मोड से वो नहीं जा सके अपने घर, और बीच रास्ते में उनको पुलिस को पकड़ के बहुत डंडे मारे भी, बहुत पिटाई कर दी उनकी. तो ये एक बहुत बुरा हुआ, जो लोग ट्राइबल्स यहाँ से भाग के आए थे
भी गार्डन से अपने घर जाने के लिए वो लोग अपने घर पे नहीं पहुंच पाए, ठीक है. सो द मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन फॉर प्लांटेशन वर्कर वाज स्वराज, एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्वराज दे थॉट दे कैन मूव फ्रीली एंड दे कैन गो होम, ठीक है, एंड दे विल गेट यू नो फ्रीडम एंड देन दे कैन गेट देयर लैंड, उनके घर उनके गांव पे उनको जो लैंड है वो मिल जाएगी उनके अकॉर्डिंग, ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गया सभी को. सो वी हैव लर्न द डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. फर्स्ट वन इज द मीनिंग इन टाउन्स, देन इन कंट्री साइड एंड देन इन प्लांटेशन. ओके, तीन टॉपिक हमने पढ़े हैं इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड. यहाँ पे प्रेजेंटेशन में भी देख लेते हैं, ठीक है. फर्स्ट था यहाँ पे टाउन्स में एजुकेटेड मिडिल क्लास लेड द मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन ग्रुप्स वर बॉयकॉटेड. देन पेशेंट्स ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स इन विलेज अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र, ठीक है. एंड ट्राइबल पीपल स्टार्टेड एन आर्म स्ट्रगल इन द वुडन हिल्स ऑफ एलबी सीताराम राजू. वर्कर्स इन प्लांटेशन ऑफ असम स्टार्टेड अ स्ट्रगल टू गेट द राइट टू फ्री मूवमेंट. Okay, so what happened then, why this movement was called off, that we will go through in the next topic. Chauri Chaura incident, which actually forced Gandhiji to call off this movement. That we will learn, start tomorrow. Is that clear to you everyone? Is that clear? Yahan tak sabko samajh mein aa gaya? What was the different strands of the non-cooperation movement? Okay, can I ask some questions? Can I ask some questions? Okay. Chalo, theek hai. Okay. Yes, now please don't hide yourself. Sabhi se main questions poochti hu. Chalo. First question bataiye. Kaun batayega? Ashish Tiwari. To screen pe aa rahe ho bhai. Bade bade log aaj class attend kar rahe hain. Yes. Hai na? Chalo. फर्स्ट क्वेश्चन बताइए. ओके, व्हाट वर द डिफरेंसेस विद इन द कांग्रेस मेंबर्स रिलेटेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. पहला क्वेश्चन बताइए, व्हाट वर द डिफरेंसेस विद इन द कांग्रेस इन बिटवीन देयर मेंबर्स रिलेटेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. आया समझ में? मैं दोबारा बोलूं, दिख क्यों नहीं रहे भाई आप लोग, मुझे सब लोग दिख क्यों नहीं रहे हैं एक साथ? मैं पीडीएफ शेयरिंग नहीं कर रही हूँ अभी, मैं पढ़ा नहीं रही, मैं तो क्वेश्चन पूछ रही हूँ. यस आशीष तिवारी, प्लीज टेल व्हाट वर द डिफरेंसेस. यस, यू आर अनेबल टू लिसन. Yes, children, please tell me. Please repeat the question. Yes, ma'am, I will not. Okay, I am repeating. What were the difference within the Congress within the Congress leaders related to the non-cooperation movement? What were the differences within the Congress related to the non-cooperation movement? जो Congress party है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर. तो क्या डिफरेंसेस थे उनमें, क्या मतभेद थे? यस चिल्ड्रन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एवरीवन, डू नॉट ट्राई टू हाइड योरसेल्फ. दिग्विजय, वेयर आर यू? आशीष तिवारी, हर्ष तिवारी, प्लीज कम इन फ्रंट. यस,